यात्रा का आज आगाज होना है। रामदेवरा से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। राजनाथ सिंह जैसलमेर पहुंच चुके हैं, तस्वीरें मंच से आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे होंगे। तीसरी यात्रा की आज शुरुआत की जानी है। मंच पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी आपको नजर आ रहे होंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त मंच से बोल रहे हैं। भारत माता की एड़ी फोरी बोर जय बोल, क्यों बुंडो लगाओ भाई, दोनों हाथ ऊंचा करो सब लोग, दोनों हाथ ऊंचा करो, मुट्ठी बंद करो और पूरी ताकतों बोलो भारत माता की, भारत माता की। पोखरण में दमको हो, पूरी दुनिया में सुनी जो, और पोखरण में जय बोले वाह, अगर राम सा पीरता इन्नी पूगे जने कैडी बूंडी लगे आप अरे बोलो भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन के संकल्प को लेकर के प्रदेश भर में हो रही यात्राओं के क्रम में आज तीसरी यात्रा का सूत्रपात करने के लिए इस भक्ति शक्ति और समरसता की धरती पर पधारे हुए देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के इस राजस्थान प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव के प्रभारी देश के यशस्वी, तो इस वक्त मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। 51 विधानसभा क्षेत्रों को तीसरी यात्रा कवर करेगी परिवर्तन यात्रा, जिसका खास मकसद ही यही है कि सत्ता में जो कांग्रेस की सरकार बैठी हुई है उसको सत्ता से उखाड़ फेंकना है, राज्य सरकार की जो नाकामियां हैं उन्हें लोगों के सामने उजागर करना है। चार अलग अलग परिवर्तन यात्राएं निकाली जा रही हैं। दो यात्राओं का पहले ही शुभारंभ कर लिया गया है। पहली यात्रा का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया, दूसरी यात्रा का शुभारंभ अमित शाह ने, और ये तीसरी यात्रा की शुभारंभ भारत सरकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्य मंत्री भाई कैलाश चौधरी जी, हम सब की नेता राजस्थान की दो बार मुख्यमंत्री रही भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा जी मंच पर उपस्थित, भारतीय जनता पार्टी के संगठन प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी मंच पर उपस्थित, हमारी सह प्रभारी आदरणीय विजयता इराटकर मंच पर उपस्थित, मेरे सभी सांसद साथीगण, भारतीय जनता पार्टी के ध्वज से चुन करके आए सभी विधायकगण मंच पर उपस्थित, भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता और इस विशाल संख्या में पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को आप देख पा रहे हैं जहां पर साफा पहनाते हुए उनका सम्मान किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में अपना खेती किसानी का काम छोड़ करके यहाँ विशाल संख्या में परिवर्तन का संकल्प लेकर के आए हुए मेरे सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, भाइयों बहनों, में आप सबका स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते हृदय पूर्वक मन पूर्वक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
मित्रों, पिछले लगभग पांच साल से राजस्थान में जिस तरह का कुशासन चल रहा है, जिस तरह की अराजक और भ्रष्टाचारी सरकार आज राजस्थान में, उसने राजस्थान को, जो राजस्थान प्रगति के सारे पैरामीटर्स पर देश के अग्रणी प्रदेशों में से एक था, उसको आज भ्रष्टाचार में, बलात्कार में, पेपर लीक में, माफिया राज में देश के पहले पायदान पर पहुंचाने का पाप किया है। लेकिन इतना ही नहीं, जिस तरह से तुष्टिकरण की राजनीति के चलते हुए एक तरफ जहां देश में ये इंडी अलायंस, घमंडिया अलायंस जो बना है, इसके लोगों ने जिस तरह से सनातन को समाप्त करने का संकल्प इस देश के सामने रखा है, ये कांग्रेस पार्टी उस घमंडिया अलायंस का हिस्सा होकर के सनातन का विरोध करने वालों के साथ में खड़ी है। मित्रों, ये वो धरती है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के संज्ञान में लाने के लिए बताना चाहता हूं कि इस धरती को उत्तर भड़ किवाड़ बाटियों की धरती से ऐसा पहचाना गया। देश पर कितने आक्रांत आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, गौरी आए, गजनवी आए, गुलाम आए, खलीफा आए, अरब आए, तुरक आए, मुगल आए, यवन आए, लेकिन इस धरती के रणातन संस्कृति को सदा सदा अपने खून से सींच करके जीवित रखा था। इस पश्चिमी राजस्थान के रणबांकुरों ने, इस राजस्थान के वीर सपूतों ने इस संस्कृति के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए अपनी पीढ़ियां कुर्बान की थी, और आज ये कांग्रेस पार्टी जिन लोगों के साथ में खड़ी है, वो इस सनातन संस्कृति को समाप्त करने के आह्वान करती हुई दिखाई देती है। मित्रों, ये कभी कांग्रेस पार्टी के लोग, कभी भगवान राम, जो इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए एक आस्था का विषय, एक श्रद्धा का केंद्र है, इस भारत की सभ्यता और संस्कृति का मान बिंदु है, कभी उनके अस्तित्व को नकारते हैं, कभी राम सेतु के अस्तित्व को नकारते हैं, और कभी भगवान राम के अस्तित्व को नकारने के साथ साथ में राम मंदिर के निर्माण में अवरोध पैदा करने का पाप करते हैं। ये वही लोग हैं जो उनके साथ में, जो लोग ऐसे नारे लगाते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उन लोगों के साथ में खड़े होने का पाप करते हैं, और ऐसे नारा देने वाले कन्हैया कुमार को अपनी पार्टी का स्टार प्रचारक बनाने का पाप करते हैं, उन लोगों के साथ में आज हमारा संघर्ष जो है वो हमको सामने दिखाई दे रहा है। यह तुष्टिकरण की मानसिकता केवल केंद्र में या केंद्र की कांग्रेस पार्टी में हो ऐसा नहीं है, राजस्थान में भी जिस तरह से उन्होंने तुष्टिकरण की मानसिकता के साथ में काम किया, बहुसंख्यक हिंदू समाज को मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए, साइकोलॉजिकली डिप्रेस करने के लिए इन्होंने, जहां बार बार ऐसे अलगाववादी सांप्रदायिक ताकतों का समर्थन किया, उनका सहयोग किया, उसका नतीजा था कि करौली में दंगा हुआ, भीलवाड़ा में दंगा हुआ, जोधपुर में दंगा हुआ। इन विरोधी अलगाववादी मानसिकता के लोगों को समर्थन करने के लिए राम दरबार को क्रेन से उतार करके गिराने का पाप इन्होंने किया। तो आज तीसरी परिवर्तन यात्रा का आगाज हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।